यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को दो मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग आपस में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो रो बाय कॉलम में होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई किए 5 से, ठीक है, फिर उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई किए 0 से, ठीक है, फिर उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई किए 6 से और 2 को मल्टीप्लाई किए 7 से, ठीक है। देन उसके बाद क्या किए हम लोग, तो ये 1 और 2, ठीक है, 5 और 0 से होगा, फिर 1 और 2 6 और 7 से होगा, मतलब फर्स्ट रो के जितने एलिमेंट्स है सेकेंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होते हैं, ठीक है। 1 किसके साथ होगा, 5 के साथ होगा, ठीक है, प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। देन इसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हुआ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देन इसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हुआ हमारा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और रिजल्ट भी हम लोग को यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स में ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास जितने नंबर ऑफ रोज होंगे, ठीक है, सेकेंड मैट्रिक्स में उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। एक कंडीशन है हमारे पास, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज होंगे, ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जैसे यहाँ कॉलम 2 है, तो अगले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने होना चाहिए, 2 ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक कंडीशन है, तभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है, और हम लोग को कुछ इस प्रकार का आउटपुट मिल पाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन है हमारे पास कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, सेकंड मैट्रिक्स में उतने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग के पास दो मैट्रिक्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बेहतर है कि दोनों को सेम साइज का हम लोग ले, या तो 2x2 ले ले या तो 3x3 ले ले, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए, एक कंडीशन होती है, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, सेकेंड मैट्रिक्स में उतने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स में यहाँ पे दो कॉलम है, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है सेकंड कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास उतने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड रो, ठीक है, तभी हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट बाय एलिमेंट होगा, लेकिन इस कॉलम को हम लोग दोनों सॉरी इस रो को हम लोग दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, मतलब रो बाई कॉलम में होगा। ये रो जो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, देन इसके बाद ये जो रो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो यहाँ सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। देन उसके बाद ऐड होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, देन उसके बाद फर्स्ट रो
सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, इस टाइप से यहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0। देन उसके बाद ये वाला कॉलम का काम खत्म हो गया। अब आते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इस टाइप से यहाँ पे हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड रो में। यहाँ पे जो हमारा 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 0, ये हमारा यहाँ पे आएगा। देन उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 7, वो लास्ट वाले एलिमेंट में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इस प्रकार का एक मैट्रिक्स हम लोग को मिलेगा। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो भी सेम साइज में ही हम लोग को मिलेगा। 2x2 अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x2 में ही हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, सेम कल वाले प्रोग्राम में जो हम लोग मैट्रिक्स एडिशन का परफॉर्म किए थे, तो सेम प्रोग्राम में हम लोग ने यहाँ पे सबसे पहले क्या ले लिया है, नंबर ऑफ रोज एंटर करेंगे, देन उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स का एंटर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों में इनपुट ले लेंगे, सबसे पहले दोनों में इनपुट ले लेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड वाले मैट्रिक्स को इनपुट लेने से पहले, ठीक है, मैं एक यहाँ कंडीशन लगाऊंगा छोटा सा, ठीक है। क्या कंडीशन लगाऊंगा कि जो हमारा नंबर ऑफ रोज जो है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज जो है सेकेंड मैट्रिक्स का, वो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ रोज और कॉलम्स हम लोग कैसे ले रहे हैं, आर और सी से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। या फिर नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ठीक है। जैसा हम लोग ऐड कर रहे हैं वैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बस एक चेंजेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो हम लोग सम निकाल रहे थे यहाँ पे, जब ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग ने दो लूप लगा रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीन लूप का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को ऐड भी करना है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक थर्ड लूप वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर देते हैं के नाम से, आई जे और के, कॉमा के कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। के नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको, ठीक है, आफ्टर एडिशन के बाद यहाँ पे इसके अंदर में हम लोग एक और लूप लेंगे फॉर, और यहाँ पे हम लोग उसमें के को चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट रो है, ठीक है, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन आर, ठीक है, ये तो वैसे ही रहेगा। देन इसके बाद क्या होगा, ये भी वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कहाँ तक हम लोग चलाएंगे, जो हमारा सी है वहां तक हम लोग चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, के इज लेस देन एक सेकेंड, कौन कौन सा वेरिएबल यहाँ पे लिए थे हम लोग, ठीक है, सी प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या देंगे, फॉर, सेम हम लोग वैसे ही एक और लूप यहाँ पे बना देंगे, फॉर यहाँ पे लेंगे, डी इक्वल टू जीरो, और कहाँ तक जाएगा, D is less than n, ठीक है, D plus plus,
और यहाँ पे हम लोग स्कैनएफ लगा के क्या करेंगे, हम लोग इनपुट ले लेंगे स्कैनएफ, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे परसेंट डी परसेंट डी हम लोग दे दिए, और कॉमा डाल के हम लोग क्या करेंगे एम परसेंट फर्स्ट फर्स्ट हम लोग दे दिए, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे सी और डी। ठीक है, जो हम लोग आई जे लेते थे यहाँ पे हम लोग क्या लिए सी और डी ले लिए। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स में इनपुट ले चुके हैं। अब सेकंड मैट्रिक्स के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से रोज एंड कॉलम्स यहाँ पे हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रोज एंड कॉलम्स लेने के लिए हम लोग ने एक और वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है, जो वेरिएबल है हमारे पास p और q। ठीक है, तो हम लोग सेम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, पेस्ट मैंने किया, अब यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे दो रोज एंड कॉलम्स में हम लोग यहाँ पे P और Q ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, कंडीशन क्या था हमारा कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स में जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स थे मीन्स N, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम क्या है हमारे पास N है, N जो है वो Q के बराबर होना चाहिए, सॉरी N जो है वो P के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के जो है वो नंबर ऑफ रोज के, मतलब सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लिखेंगे इफ, ठीक है, n इज नॉट इक्वल टू p, ठीक है, n इज नॉट इक्वल टू p, ठीक है, अगर इसके इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, प्रिंट है, ठीक है, द मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स में हम लोग डाल देंगे जो हमारा इनपुट वाला है। ठीक है, अगर दोनों इक्वल होगा तो एल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा और यहाँ पे इनपुट लेगा। ठीक है, इनपुट लेगा, ठीक है, इनपुट में हम लोग सी और डी वेरिएबल ही यूज कर रहे हैं और यहाँ पे फर्स्ट की जगह हम लोग कर देंगे इसको सेकंड। ठीक है, सेकंड हम लोग कर दिए। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनपुट पूरा पूरा का पूरा ले लिए। अब यहाँ पे लास्ट में हम लोग ने एल्स का ब्रैकेट लगाया है, तो हमने यहाँ एक ब्रैकेट यहाँ लगा लेते हैं ताकि एरर ना आए। ठीक है, ये हम लोग का हो गया दोनों के दोनों इनपुट, दोनों मैट्रिक्स में हम लोग इनपुट ले लिए सक्सेसफुली। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लूप लगाता हूँ फॉर। ठीक है, फॉर यहाँ पे मैं लिखा c इक्वल टू जीरो, ठीक है, c इज लेस देन m, ठीक है, c प्लस प्लस। ठीक है, फर्स्ट लूप हमारा लग गया, जो हम लोग रो के लिए यूज कर रहे हैं वो हमारा लग गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक और लूप लेंगे। ठीक है, सेम हम लोग एक लूप लेंगे फॉर डी, डी इक्वल टू जीरो, ठीक है, डी इज लेस देन एन, सॉरी डी इज लेस देन क्यू लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का क्या है, सेकेंड वाले में क्यू है कॉलम में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे क्यू। ठीक है, जब हम लोग कंडीशन यहाँ पे लगा रहे थे
ठीक है, तो उस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे रोज कितने होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, ठीक है, और डी प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार का लगा ली। अब इसके बाद हम लोग ऐड करने के लिए एक ठोक लूप लगाएंगे, यहाँ पे ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, एक फॉर लूप और लेता हूँ फॉर। अब यहाँ पे जो वेरिएबल के हमने लिया है वो यहाँ पे यूज करेंगे, के इक्वल टू जीरो, ठीक है, के इज लेस देन पी, के इज लेस देन पी, के प्लस प्लस, ठीक है। के जो वेरिएबल है वो ऐड करेगा और वहां रोज को ऐड करके वहां पे दिखाएगा, ठीक है। ये हम लोग एडिशन के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग रोज और कॉलम्स में यहाँ पे जो एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक सम जो हम लोग वेरिएबल बनाए हैं जिसको हम लोग जीरो से इनिशियलाइज किए, उसमें हम लोग